अच्छे और मजेदार न्यूज़ हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए। मंदिर जाना धार्मिक होने के साथ साथ अच्छी सेहत की भी निशानी है। आप शायद यह नहीं जानते होंगे कि मंदिर में घंटी बजाने, माथा टेकने, प्रार्थना करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही बहुत से प्रेशर पॉइंट एक्टिव हो जाते हैं, जिससे कई तरह की सेहत से जुड़ी परेशानियों से भी राहत मिलती है। मंदिर में नंगे पांव चलने से पैरों के प्रेशर पॉइंट पर दबाव पड़ता है, जिससे बीपी कंट्रोल रहता है और बॉडी को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। एकाग्रता बढ़ाएं। माथे पर तिलक लगाने से भौहों के बीच दबाव पड़ता है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है और मन शांत रहता है। भरपूर एनर्जी। मंदिर की घंटी बजाने से इसकी आवाज कानों में गूंजती है, जिससे एनर्जी लेवल बढ़ता है और बॉडी के पॉइंट भी एक्टिव हो जाते हैं। इम्यूनिटी में सुधार। मंदिर में जब दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं तो इससे हाथों के पाई टपर दबाव पड़ता है, जिससे बॉडी के कई फंक्शन एक्टिव हो जाते हैं और प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हो जाती है। वायरल इन्फेक्शन का खतरा कम। मंदिर में धूप, हवन सामग्री का धुआं और दीपक जलते हैं, जो बैक्टीरिया को मुक्त करने का भी काम करते हैं। इससे किसी भी तरह की वायरल इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। डिप्रेशन दूर। रोजाना मंदिर जाकर भजन आरती करने से दिमाग परेशानी से मुक्त हो जाता है। तालियां बजाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और दिमाग भी फ्रेश हो जाता है। डिप्रेशन दूर करने में यह बेहद मददगार है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।